नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चुनाव संपन्न होते ही एग्जिट पोल के आंकड़ों ने नतीजों से पहले ही हलचल मचा दी है। उत्तर प्रदेश में तमाम एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हालांकि इन एग्जिट पोल को लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। जहां जीत की ओर बढ़ रही पार्टी एग्जिट पोल पर विश्वास जता रही है, तो वहीं आंकड़ों में हार झेलने वाली पार्टी के नेता एग्जिट पोल को झूठा करार दे रहे हैं। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने 5 राज्यों में एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर कहा कि पिछले काफी सालों से हम देख रहे हैं कि एग्जिट पोल का कोई वजूद नहीं है। वहीं महिला कार्ड खेलकर बड़े बदलाव का दावा करने वाली प्रियंका गांधी की नेतृत्व वाली पार्टी एक बार फिर एग्जिट पोल में फिसड्डी साबित हो चुकी है। लगभग सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस को करारी हार मिल रही है। किसी भी एग्जिट पोल में आंकड़ों में कांग्रेस दहाई का आंकड़ा छूते नजर नहीं दिख रही है। हालांकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की अब प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने नतीजों का इंतजार करने की बात कही है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एग्जिट पोल को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं, लेकिन 10 मार्च को पता चलेगा कि बीजेपी नहीं बल्कि सपा की यूपी में सरकार बन रही है। आपके हिसाब से कैसे देखती हैं आप? We'll wait and see the results. And what about today's program, ma'am? It's for Women's Day. It's to celebrate our 159 women candidates, and I think it's a big thing that all of them fought, that 40% of the candidates were women, and I feel that it's Women's Day, we should celebrate. देखो, एग्जिट पोल की बात ऐसी है कि अब तक बहुत साल से हम देख रहे हैं एग्जिट पोल का कोई वजूद नहीं। बहुत सी एजेंसीज एग्जिट पोल का काम करती है। बात ऐसी है, जब 10 तारीख को ईवीएम मशीन खुलेंगे, ईवीएम खुलेंगे, तब लोगों के मन में क्या है और क्या था उसका पता चलेगा। मुझे पूरा विश्वास है एग्जिट पोल झूठे साबित हो। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा में किया है, वो फिर दिखाता है कि चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 10 तारीख का इंतजार रहेगा, लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश है उसको लेकर मैं यही कहूंगा, MY का मतलब बदल गया है। हर कोई कहता था MY क्या है, MY का रोल अदा रहेगा। मैं कहूंगा MY अब मोदी जी, योगी जी हो गए हैं। मोदी जी की योजनाएं MY, इसका प्रभाव पड़ा है। और आगे भी आप देखेंगे, हमने जो वायदे किए हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त, गुंडा अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश देंगे, हमने पिछले 5 साल भी दिया, आगे उसको दृढ़ता से कार्रवाई करेंगे। और एग्जिट पोल के इसी तिलिस्म पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। नगेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी से, राहुल आनंद बीजेपी से और रत्नाकर सिंह कांग्रेस से। आप तीनों का स्वागत है एनवी न्यूज पर। सबसे पहले राहुल आनंद आपके पास आएंगे। आज आप खुश तो बहुत होंगे, लेकिन दरअसल ये खुशी जो है आपकी, वो इस बात को भी कहीं ना कहीं, जैसे अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना होगा और ये एक माइंडसेट किया जा रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ी हो तो वो नज़रअंदाज हो जाए, तो दरअसल क्यों इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए सब बेताब हैं और जनादेश का जो सही इंतजार है, यानी कि काउंटिंग जिस दिन खुलेगी 10 मार्च का, इंतजार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों इस तिलिस्म को खोलने के लिए इतना बेताब हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता का चंदन और अभिनंदन करता हूं मैं, कि जिन लोगों ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया उनके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम जनता के मत की बात करते हैं तो उस समय हमें जनता के साथ खड़े होना चाहिए, चाहे वो फैसला आपके भाग में आए या आपके विपरीत आए, हमें उस सारे फैसलों का स्वागत करना चाहिए। और ये कोई नई बात नहीं है, जब भी जहां भी भाजपा जीतती नजर आती है वहां पे लोग ईवीएम का राग लाप करते ही करते हैं।
अगर परिस्थिति को देखा जाए बदल कर, तो जब वेस्ट बंगाल में भी जब चुनाव हो रहा था, तो उस समय जब ममता बनर्जी के पाले में बहुमत की सरकार मरी थी, तो हमने स्वागत किया था जनता के फैसला का, बस यही फर्क है। और जहां तक M1 समीकरण की बात करते हैं, और जहां तक जात पात की बात करते हैं, और जो पॉलिटिक्स हम करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी करती है, वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलती है। तो अभी जो MY समीकरण है, थोड़ी देर पहले आप एक अपना वक्तव्य रख रहे थे जिसमें आपने कहा कि मोदी और योगी हो गए हैं। अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए, अगर हम जो रुझान आ रहा है इसके ऊपर अगर हम चर्चा करें, तो आपने देखा होगा कि सारे वर्ग के लोगों का सहयोग और मत भाजपा को मिला है। हम देखिए इस रुझान को बिल्कुल नकारते हैं, ये कोई जो रुझान है दरअसल ये सब अपना अपना ढोल पीटा जा रहा है। और अगर 15-20 एजेंसियां ये कहेंगी कि ये होगा ये होगा, तो कोई ना कोई बात सच निकल जाएगी। ये बहुत रुझान को इस तरह नहीं माना जा सकता। और दरअसल एग्जिट पोल तो हो ही नहीं रहा है। राहुल जी चर्चा करेंगे, मैं आऊँगा आपके पास, आप सर्वोच्च हो रहे हैं, लेकिन रुझान कोई आ नहीं रहा है। रुझान पता चलेगा जब जनता ने क्या वोट किया है, और वो तिलिस्म 10 मार्च को टूटेगा। रत्नाकर सिंह जी, दरअसल क्यों इतना शोर किया जा रहा है? वोट हो गया है और वोट 10 मार्च को खुलेगा, 10 मार्च को ये पता चलेगा कि जनादेश क्या है, जनता के मन में क्या था, तो क्यों इतना शोर किया जा रहा है कि ये तिलिस्म तोड़ दिया गया है और ये रहस्य खुल गया है कि वोट क्या हुआ है? और एक असेंबली पे अगर हम देख रहे हैं पूरे रैंडम सैंपलिंग को, तो एक असेंबली पे 1000 वोटर से अगर पूछ लिया गया है कि किसको वोट किया है, तो क्या मायने हैं इस एग्जिट पोल के? देश में विरोध भी हो रहा है, शोध भी हो रहा है, चिंताएं भी हो रही हैं और खुशियां भी मनाई जा रही हैं इस एग्जिट पोल पर, लेकिन दरअसल इसकी वास्तविकता पर जो संदेह का घेरा है वो और चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव बड़ा होता जा रहा है। क्या बड़ा कारण है? देखिए त्रिशूल जी, मैं आपकी बातों का इस तरह से जवाब दूंगा। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें एक ले रहे थे और पूछ रहे थे कि भाई इतने बड़ा जनादेश जो एग्जिट पोल में दिखा रहा है, आप उस पे क्या कहना चाहेंगे? तो वो एक आम नागरिक था, वो जनता था, मतलब वो ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा था और ना ही किसी दल का नेता था, वो एक आम आदमी था। उसका रिएक्शन यही आया कि जब तक भारतीय जनता पार्टी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी मीडिया हाउसेस को पैसे देती रहेगी किसी भी प्रकार से, चाहे वो आप एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से चाहे अन्य माध्यमों से मीडिया हाउसेस को पैसे देते रहेंगे, तो मीडिया हाउसेस जो है उनके गुणगान करते ही रहेंगे, पहली चीज उसने बोला। दूसरी चीज उसने बोला कि ईवीएम जो है, जब तक उसका, देखिए ईवीएम का, जब तक ईवीएम का प्रॉपर इस्तेमाल और सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उसका गलत इस्तेमाल किया जाएगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी को हराना एक तरह से मुश्किल काम। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक आम आदमी की बात है जो मैं रख रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि क्यों एक आम आदमी भी यह सोच सकता है कि किस तरह से जो है मीडिया, ठीक बात है, बड़े जनादेश से जीतते हुई आ रही है, ये आम जनता की बात से आप समझ सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, ईवीएम का ये अभी मेरे भाई कह रहे थे कि विपक्ष जो है रोना शुरू कर देगा। मैं इनकी बातों का एक जवाब इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय से जुड़े लोगों को हैक कर लिया गया, मीडिया से जुड़े लोगों का फोन हैक कर लिया गया। तो ये जो ईवीएम है सिर्फ एक डेटा कलेक्ट करती है, एक मशीन, उसको हैक कर नहीं किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है, भले ये इस चीज को नकार दें, नहीं जा सकता है कि अगर पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर से अगर किसी की जासूसी की जा सकती है, तो ईवीएम जैसा एक मशीन है जो सिर्फ एक साधारण मशीन है,
उस मशीन को हैक करना भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये रहा आपके दूसरे प्रश्न का जवाब। अब मैं आता हूँ राहुल आनंद जी के पास। राहुल आनंद जी के जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल जनता के जनादेश का तो सम्मान करना ही चाहिए, क्योंकि वोट एक ऐसी चीज होती है जो लोकतंत्र में एक आम जनता को ताकत देती है कि वह अपने पसंदीदा जनप्रतिनिधि को चुने और वह जनप्रतिनिधि उस व्यक्ति का और उसके परिवार का, उसके समाज का, उसके राज्य का, उसके देश का भला कर सके। जनता की चुनी हुई सरकार को और जनता की चुनी सरकार को गिराने का काम और उनके वोट को अपमानित करने का काम किसने किया है? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कर्नाटक में किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो मेरे भाई जो ये आप बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, जो जनादेश का सम्मान करना चाहिए, तो बिल्कुल यह बात आपके ऊपर चरितार्थ होती है। आप जनता के जनादेश का सम्मान नहीं करते, आप वोटों की चोरी करते हैं, चाहे वो ईवीएम के माध्यम से हो, चाहे वो नोट तंत्र के माध्यम से है। आप विधायकों को खरीद फरोख्त करके एन केन प्रकार ने सत्ता में बने रहने का आपका जो सगुफा है वो हमेशा कायम रखना चाहते हैं और सत्ता में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि अंबानी और अडानी की सरकार है, एक पॉकेट में इनकी अंबानी है तो दूसरे पॉकेट में अडानी है। और पैसों की के मामले में आज आप जानते ही है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज सबसे अमीर पार्टी बन के उभर आई है। रातों रात पैसा कहाँ से आया इनका? इन्होंने नोटबंदी लाया, इन्होंने सारी चीजें लाई। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। नगेंद्र सिंह जी, देखिए ये जो दरअसल चुनाव जो होता है वो काम होने या नहीं होने पर लड़ा जाता है, और सबसे निराशाजनक पहलू चुनाव के दौरान ये रहता है कि काम होने या नहीं होने के अलावा ऐसे मुद्दे सामने आ जाते हैं कि जिनका चुनावी परिप्रेक्ष्य से कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रभावित करने के लिए कि कैसे मतदाता को प्रभावित किया जाए और उसको कहीं एक आडंबर में, एक पाखंड में लिप्त किया जाए, और उसका प्रभाव भी पड़ता है, और फिर प्रभाव के बाद जब चुनाव संपन्न हो जाता है फिर एक और आडंबर सामने आता है एग्जिट पोल के रूप में। लगता नहीं है, आज अखिलेश यादव भी कह रहे कि ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है, क्या लगता है कि क्या बड़ी चीज़ है जिनका बदलाव होना ज़रूरी है? जिस बिंदु पर चर्चा करने के लिए हम बैठे हैं उस संबंध में मैं ये कहूंगा और आपकी बात से त्रिशूल जी सहमति भी जताऊंगा कि एक आर्टिफिशियल नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है रिजल्ट को लेकर। इससे समाजवादी पार्टी पूरी तरह से असहमति जताती है और तर्क के साथ असहमति जताती है, क्योंकि अतीत में जो एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल के परिणाम थे उनसे उनसे ठीक विपरीत के परिणाम जनता ने दिए हैं। खास तौर से अगर मोटा मोटी कहा जाए तो जो राजनीतिक दल जिनके पास चंदा ज्यादा आ जाता है तो ऐसा एक आम जन का भाव भी बन रहा है कि कुछ बड़े घरानों को मैनेज कर लिया जाता है और उसके माध्यम से ये सिलसिला ओपिनियन पोल से लेकर शुरू होता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था और निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्था है, जो ओपिनियन पोल है जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो उन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन चुनाव वाला जो वर्ष होता है जब उससे पहले महीने दर महीने ये एक सतत प्रोग्राम चलता है जिससे कि जनता के मन को बदलने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जो इन आंकड़ों के या इन ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के विपरीत परिणाम आए हैं वो इस बात का प्रतीक है कि जो लोकतंत्र है वो देश में सबल हो रहा है, मजबूत हो रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव की चर्चा को हम यहाँ बैठे हैं, हमारा पूरा विश्वास है कि जनता ने जो विपक्षी दल होने के नाते हमारे दल ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मुद्दे जनता के बीच उठाए हैं। नगेंद्र जी, मैं जवाब आपका लूंगा, इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।
सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। नगेंद्र सिंह जी, आप अपना जवाब दे रहे थे और दरअसल सारी चीज़ें जो आज अखिलेश यादव ने भी कहीं चिंता जताई है, तो ये एग्जिट पोल क्यों, और एग्जिट पोल तो कोई शब्द है ही नहीं। ये इस संबंध में हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि अगर ऊपर की तकरीबन 8 एजेंसियों के एग्जिट पोल का एनालिसिस करते हैं और 5 के 5 प्रदेशों में, तो जो डेविएशन है, जो कम से कम सीट और ज्यादा से ज्यादा सीट का अंतर है, वो 13 गुना तक है, 13 गुना तक उसमें एरर है, यानी कि वो उनका जो डाटा डेविएट कर रहा है, तो उसकी प्रमाणिकता का क्या रह जाती है, तो उसकी गुणवत्ता पे प्रश्न खड़ा होता है। और हम तो ये कहेंगे कि आने वाले समय में, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बात जब कहते हैं तो तीर और तुक्का कई बार ठीक भी हो जाती है, तो एक एस्टेब्लिशमेंट किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव का महत्व है, लोकतंत्र में व्यस्त मताधिकार का अधिकार राजनीतिक अधिकारों में दिया गया है, प्रत्येक मतदाता एक वोट डालता है, तो अगर सरकार इनके अनुसार ही बननी है और इनका ही निर्णय जनता मानेगी, तो फिर इतना खर्च करने की, इतनी व्यवस्था लगाने की, इतनी मशीनरी लगाने की, इतनी भागदौड़ करने की, फिर तो एग्जिट पोल वाले लोगों को ही कह दो कि आप ही एग्जिट पोल के बता दो भाई कौन सरकार बना ले। तो अगर मैं अपने दल की बात करूं उत्तर प्रदेश में उन 8 एजेंसियों को लेकर, तो वो 71 से लेकर 165 तक सीटें दे रही है, कम से कम 71 और ज्यादा से ज्यादा 165 जिनका मैंने एनालिसिस किया है, तो तकरीबन 2.25 गुने से ज्यादा है। और पंजाब में जो राष्ट्रीय पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पक्ष में जो उनका ओपिनियन पोल है वो 1 सीट से लेकर 13 सीट तक है, यानी कि 13 गुना एरर है उसमें, तो कोई प्रमाणिकता नहीं है। और अपने दल का पक्ष रखते हुए हमारा ऐसा विश्वास है कि 10 तारीख में जनता किसान के, नौजवान के, बेरोजगारी के, महंगाई के, इन मुद्दों को लेकर अपना निर्णय सुना जो चुकी है, उसका परिणाम 10 तारीख को आ जाएगा। ठीक बात। राहुल आनंद जी, देखिए प्रमाणिकता कैसे सिद्ध हो, रैंडम सैंपलिंग पर असेंबली अगर बहुत ज़्यादा भी माने तो 1000 प्रति व्यक्ति नहीं आ रही है, तो फिर कैसे माने कि प्रमाणिकता बहुत गहरी और बहुत ही तथ्य परक है। अभी जो बड़े भाई नगेंद्र भाई साहब और जो रत्नाकर जी जो बातों को बोल रहे थे, मैं उन सारी बातों को बड़ा ध्यान से सुन रहा था और मैं आपके भी प्रश्नों का बहुत ध्यान से सुन रहा था, आपके प्रश्नों को, और मुझे इतना ही प्रतीत हो रहा था, उसमें बस यही प्रतीत हो रहा था कि जब कभी भी बदलाव की बयार आती है तो उस वक्त या तो अभिव्यक्ति की आजादी या तो ईवीएम, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वही लोग ज्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं, ये एक शब्द बन गया है, एक थ्योरी बन गया है, क्योंकि कोई बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। मैंने पहले भी कहा था जब हम आपस में जब चर्चा पे बैठे थे तो उस समय पे हमने कहा था कि जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो रेंडमली लोगों से पूछती है, और उन्होंने कहा भी था, और जब एग्जिट पोल जब दिखाया जा रहा था तो उस समय इस बात से वो बार बार जोर देते थे कि ये मैं आकलन कर रहा हूँ होगा या नहीं होगा ये बात का विषय है, लेकिन अगर हम उस तत्व पे बात करेंगे तो मैं आपको अभी भी बताता हूँ कि लोगों ने विकास को चुना है, जात पात को छोड़ा है, और उनकी भी स्थिति बहुत खराब हो गई यूपी में, जो हमारे साथ को छोड़कर दूसरे के साथ गए सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य सिद्धि के लिए। और 10 तारीख का दिन है, वो दिन निश्चय ही इसका परिणाम आएगा, और मैं आपको अभी भी विश्वास के साथ कहता हूँ कि 37 वर्षों बाद पुनः एक ऐसी पार्टी दोबारा अपने आप को रिपीट करेगी जो दुनिया भी देखेगी और हमारा देश भी सशक्त बनेगा। और जहां तक 5 स्टेट की अगर हम बात कर ले तो वो स्टेटों की बात करें तो मैं उस पर नहीं जाता क्योंकि उससे मेरा बहुत ज्यादा मैं उनपे कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर हम सब इस बात को ओवर कॉन्फिडेंस है कि जनता विकास को चुनेगी। और मैंने उस वक्त ही कहा था कि जनता साइकिल पर जा रही है,
पंजे का इस्तेमाल कर रही है और कमल का बटन बना रही है, और इस बार जो बटन यही तो देखिए यही तो अफसोस है जनता, साइकिल पे क्यों जा रही है, मोटरसाइकिल में क्यों नहीं जा रही है, कार में क्यों नहीं जा रही है, और विकास से मिलने जा रही है, विकास को चुनने जा रही है, विकास को हाथ पकड़ने जा रही है, तो मजबूती से क्यों नहीं जा रही है, पैदल पैदल क्यों जा रही है। देखिए सब बातें करनी पड़ती है राहुल जी, आप समझते हैं, आप देखते हैं, ये दरअसल जो राजनीति दिखाती है वो होता नहीं है उतना सब कुछ, जमीनी स्थितियां कुछ और हैं, तब हमको सवाल करना पड़ता है, चर्चा करनी पड़ती है। रत्नाकर जी और राहुल आनंद कह रहे हैं कि मैं आपको भी सुन रहा था और नगेंद्र जी को भी सुन रहे थे, और ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ईवीएम के खतरे हैं, इससे आगाह कर रहे थे। क्या लगता है कि ये जो तिलिस्म तोड़ा जा रहा है, झूठा ही तिलिस्म तोड़ा जा रहा है एग्जिट पोल के माध्यम से, क्यों इंतजार नहीं किया जा रहा है, क्यों एक माइंडसेट किया जा रहा है? मैं सुन रहा था राहुल आनंद जी कह रहे थे कि जनता बदलाव की बयार चाहती है, ठीक है, परिवर्तन चाहती है, और परिवर्तन को हम लोग जो विपक्षी लोग हैं या जो नेता लोग हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। भाई हम तो परिवर्तन चाहते ही है, हम तो चाहते हैं कि गोवा में सरकार बदले, हम तो चाहते हैं उत्तर प्रदेश में सुन लीजिए राहुल जी आप ही बोल रहे थे कि परिवर्तन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है हम लोगों को, तो आपकी बात को ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं परिवर्तन के लिए, और जनता सरकार बदलेगी भी राहुल जी, आप तो प्रबुद्ध वक्ता की तरह और प्रबुद्ध श्रोता की तरह दोनों पक्षों में आप सही मापदंडों पर खरा उतर सकते हैं। सुन लीजिए फिर मैं आपसे भी ले लूंगा आपका पक्ष। जी सुन लीजिए राहुल जी सुन लीजिए जरा, फिर आपकी हर बात का जवाब है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के मेरे जो मित्र बैठे हैं ओवर कॉन्फिडेंट है, यही इनका अति उत्साह जो है ना इनको खा जाएगा, क्योंकि ये जमीनी हकीकत जानते नहीं है, जनता से जुड़े मुद्दे जो है इनसे बिछड़ चुके हैं। आज जनता का मुख्य मुद्दा क्या है? आज जनता का मुख्य मुद्दा है कि वह महंगाई से परेशान है, वह बेरोजगारी से परेशान है, नोटबंदी की चोट, जीएसटी, जनता को कहीं का नहीं छोड़ा है। आज ज्यादातर व्यापारी अपना उसका व्यापार टूट चुका है और वह किसी तरह गुजर बसर कर रहा है, परिस्थिति ये है। ये इन लोग अगर अति उत्साहित नहीं रहते तो ये जनता के बीच में जाते और जनता की बातों को समझते, उनकी भावनाओं को समझते, तो ये तो मन की बात करने वाले हैं, मन की बात सुनने वाले लोग नहीं है। अगर मन की बात सुनते तो आज ये लोग जिस तरह से राहुल जी कह रहे हैं कि परिवर्तन की बात नहीं करते। देखिए आने वाले चुनाव में 5 राज्यों का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी को नुकसान होने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है। रिजल्ट जो है बिल्कुल अप्रत्याशित आएगा, जिस तरह उससे बिल्कुल अप्रत्याशित रिजल्ट आने वाला है। बाद में ये अपना नोट तंत्र चलाएंगे, जहां जहां पे कम सीटें इनको अगर मिलती हुई दिखेंगी वहां पे ये लोकतंत्र की जगह नोट तंत्र जो है चलाएंगे, और हो सकता है कि उस नोट तंत्र में ये कामयाब भी हो जाए, क्योंकि इनका चरित्र ही ऐसा है। इनका चरित्र आप देख लीजिए, देश में जहां वहां पर लेके आते हैं, वहां पे सीबीआई, ईडी और बाकी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट इन सारे लोगों का मदद लेते हैं, न्यायपालिका का भी मदद लेते हैं, तो सारी चीजों का मदद लेके और ये सत्ता को काबू गिराने के लिए हर तरह का हथियार इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो बोल के और ओवर कॉन्फिडेंट है, जरा पहले मैं यही कहूंगा कि आप जनता के बीच में जाइए और जरा ये एग्जिट पोल जो टीवी पे दिखाए जा रहे हैं, जो आपके पेड जो चैनल्स हैं जिस पे दिखाए जा रहे हैं, उनसे जरा बाहर निकलिए, वो आउट ऑफ द बॉक्स जाइए
और सोचिए और जनता से मिलिए, अभी फोन उठाइए मिलेगा। तो आने वाले 10 तारीख की बात कह रहे हैं जो, चलिए रत्नाकर जी सुन लीजिए कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, राहुल आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ राहुल जी, देखिए रत्नाकर भाई साहब जितनी भी बातें कर रहे थे उन्होंने कहा कि जनता ने नकारा महंगाई बेरोजगारी और बहुत सारी तथ्यों पर ये बात कर रहे थे, लेकिन एक लेकिन जो रुझान आया है मैं तत्काल उस पर चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन चलिए मैं राहुल जी आपका जवाब लूंगा, इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं, चलेंगे सीधे मेहमानों के पास। राहुल आनंद जी जी, जी। तो जो रत्नाकर भाई साहब जो भी बातों को कह रहे थे और ये फिर वही दिशा भ्रमित करने वाली बात ये कर रहे थे, बातों को मान लेता हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस है कहाँ, कांग्रेस है कहाँ, कांग्रेस कहीं कांग्रेस भाजपा में बताती, कांग्रेस भाजपा में चली गई है। अगर कांग्रेस भाजपा में चली गई है तो फिर ऐसा आपने मौका ही क्यों दिया, क्यों अपने लोगों का अपने सम्मान नहीं किया, वो क्यों उन्होंने भाजपा का रास्ता किया। दूसरी बात एक लोकतंत्र की आपने पूछा, आपने पूछा रत्नाकर सिंह से था, लेकिन ये जवाब सबको पता है कि कांग्रेस कहाँ चली गई है, बोले कांग्रेस बहुत सारी तो भाजपा में ही चली गई है। कांग्रेस ने क्यों नहीं रोका, कांग्रेस को रोकना चाहिए था अपने आदमियों को, जब परिवारवाद से कांग्रेस बाहर नहीं निकलेगी तो ये तो स्थिति इनकी होनी ही है। दूसरी बात ये लोकतंत्र की बात करते हैं, जहां ये जीतते नजर आते हैं वहां इनकी लोकतंत्र की जीत हो जाती है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि जब जनता जो ठगा महसूस करती है वो वहां महसूस करती है जब ये लोकतंत्र की बात करते हैं, और अभी भी इनकी वही बोली है और अभी भी वही अंदाज है। अगर भाजपा को जनता नकारती तो जो भी एग्जिट पोल है, मैं एनडीटीवी की भी बात कर लेता हूँ, उसमें भी भाजपा को ही बढ़त दिखाया गया है, क्या उसको भी भाजपा ने पैसा दे दिया है। तो इस प्रकार की बातें नहीं की जाए तो बेहतर है। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो स्वतंत्र है और उसका हम सबको सम्मान करना है। रिजल्ट क्या आएगा उस दिन हम फिर बैठ के चर्चा करेंगे, लेकिन मैंने आपसे क्लासिफाइड कर रखा है ना, देखिए राहुल जी ये जो आपने क्लासिफाइड कर रखा है कि उसका भी, ये उसका भी और इसका भी से क्या होता है, वो तो 10 मार्च को जो परिणाम होंगे वो जनता के सामने होंगे, और जनादेश का सम्मान कौन नहीं करता है। देखिए मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन जनादेश का सम्मान हमारी विपक्ष की पार्टियां नहीं करती हैं। अगर वो ऐसा करती तो ईवीएम को आज लज्जित नहीं करती, लोकतंत्र का बात नहीं करती। अरे भाई ट्रक पकड़ा जाएगा, ट्रक पकड़ा जाएगा तो सवाल पूछा जाएगा, और अगर कोई कहीं से कोई संदेश वायरल होगा किसी डीएम का तो पूछा ही जाएगा, इसमें क्या है। और विपक्ष की भूमिका है, विपक्ष को ये सवाल करने का अधिकार प्राप्त है कि सरकार को सुरक्षा करनी चाहिए, और जहाँ पर ईवीएम रखी है वहाँ पर सुरक्षा कड़ी करनी चाहिए, इसमें क्या है, ये तो करना आवश्यक है, लगता नहीं आपको आवश्यक है। देखिए वो चुनाव आयोग के अंडर में रहता है, उसमें उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निश्चय ही चुनाव आयोग की होती है, लेकिन वहां पे सवाल ये है कि इनको ईवीएम क्यों नहीं स्वीकार होता है। ईवीएम का अगर बटन दबा इसके फेवर में गया वो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये जब वोट लेने की बात करते हैं, महाराष्ट्र में इनको वोट मिला क्या हमने उंगली उठाया कि ईवीएम गड़बड़ है, कभी नहीं उठाया। पंजाब में इन्होंने जीत हासिल की, हमने कभी भी प्रश्न नहीं उठाया। हम बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल की, वहां पे भी जनता ने हमें 77 सीट दिए और ममता दीदी को उन्होंने 300 प्लस का सीट दिया, क्या हमें स्वीकार नहीं हुआ, हमने तब भी स्वीकार किया। लेकिन एक भाजपा को छोड़कर बाकी कोई भी राजनीतिक पार्टियां ईवीएम के बारे में जिक्र ही नहीं करना चाहती है, उसे सराहना ही नहीं चाहती है, यही पर जाकर ये पिछड़ जाते हैं। और जो जो लोग जनता का सम्मान करते हैं उनको पता है अगर जीत होगी तो जनता की जीत होगी, और जो महंगाई से जहां तक मुद्दा और बेरोजगारी का जहां तक मुद्दा था तो फिर जनता ने इनको क्यों नहीं स्वीकारा, जनता ने क्यों भारतीय जनता पार्टी की तरफ बहुमत दिखाया। तो कहीं ना कहीं जब जनता बटन दबाने जब जा रही थी तो उस समय उनको वो सपा का पुराना दिन याद आ रहा था और कांग्रेस द्वारा चलाया गया वो भी दिन याद आ रहा था जब अपने आप को साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। ठीक है, तो ठीक है आऊंगा मैं आपके पास।
कुछ रत्नाकर जी कहना चाह रहे हैं आपसे। देखिए राहुल जी, जिस तरह से कह रहे हैं उससे ये लग रहा है कि चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और जनता ने हमको नकार दिया है और जनता ने इनको सत्तासीन कर दिया है, सिंहासन पे बिठा दिया है। अभी राहुल जी 10 तारीख को आएगा जल्द रिजल्ट, तो उस पर आप भी चर्चा करिएगा, मैं भी रहूंगा, हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। रही बात जैसा कि त्रिशूल जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे थे, लोकतंत्र में अगर चुनाव आयोग चुनाव कराने की जिम्मेदारी लेता है और तो वहाँ की सरकार जो है, जो वर्तमान में सरकार रहती है, उस सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी बनती है कि वहाँ पे किसी भी शासन और प्रशासन उसके हाथ में ही रहता है, किसी भी तरह की इस तरह की घटना ना मिले जहाँ पे की ईवीएम को कचरे की पेटी में मिला हो और कहाँ पे डीएम को संदेश उस तरह से दिया जाए कि जहाँ पे भाजपा हार रही है वहाँ पे स्लो वोटिंग कराई जाए। तो इस तरह का अगर संदेश मिलेगा और इस तरह ईवीएम अगर कहीं भी सड़क पे या गाड़ी में या कहीं पे किसी के घर पे मिलेगा तो विपक्ष जरूर सवाल उठाएगा, क्योंकि विपक्ष को यह संदेह है कि आप लोग कहीं ना कहीं ईवीएम के रूप में कहीं ना कहीं हेरा फेरी कर रहे हैं, वोट की चोरी आप लोग करते आ रहे हैं और वोट की चोरी की करने के साथ साथ आप लोग विधायकों की भी चोरी करते आते हैं। तो हम कहीं ना कहीं इस बार इस मामले में सतर्क रहेंगे और जहां पे भी मतगणना होगी हम बिल्कुल सतर्कता के साथ रह रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने मुद्दा उठाया है, इसलिए हम लोगों ने पकड़ा है। आपको जवाब देना है इसके कि आप क्यों इस तरह से लापरवाही कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे क्यों नहीं मेंटेन किया जा रहा है, शासन प्रशासन क्या कर रहा है वहाँ पे, तो ये जवाबदेही आपकी है। हम तो प्रश्न उठाएंगे ही, हम विपक्ष से आप पाइना दिखाएंगे, जनता को बताएंगे कि किस तरह से आप चोरी चमारी करके जो है सत्ता हासिल किए हुए हैं, किस तरह से आप पैसे लुटा रहे हैं विधायक, किस तरह से आप कर रहे हैं, हम तो जनता को बताएंगे, आपकी हर कारस्थानी को बताएंगे जनता को। आप अपना बताइए कि क्यों इस तरह के हालात पैदा हुए कि जहाँ पे ईवीएम गाड़ी में मिल रही है और डीएम को संदेश दिया जा रहा है, इस तरह के हालात क्यों आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, लोकतंत्र में ये कार्य जो है अलोकतांत्रिक है जो आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। नगेंद्र जी, ये जो वोट पड़ा, लोकतंत्र का इतना बड़ा खजाना है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, वोट किया लोगों ने सरकार बनाने के लिए, अपने उत्तराधिकारियों का, लोकतांत्रिक उत्तराधिकारियों का चयन किया, क्या उस लोकतंत्र के खजाने को सुरक्षित रखना, महत्वपूर्ण स्थान पर रखना, उसकी निगरानी रखना, क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है जो मौजूदा सरकार है या जो जिम्मेदार लोग हैं? और अगर वो चीज़ लोगों के सामने आ रही है कि ईवीएम की पर्चियां, वीवीपैट पर्चियां मिल रही हैं कहीं कचरे के ढेर में और कहीं संदेश मिल रहे हैं, तो फिर ये सवाल किससे किया जाए, बताइए आप जरा। ये सवाल जो जिन लोगों पर व्यवस्था की जिम्मेदारी उनसे किया जाएगा, और इस काम को करने का दायित्व, इस ऐसे प्रश्नों को उठाने का जो दायित्व होता है वो विपक्षी दलों को होता है, विपक्षी दलों को, नेताओं को होता है, वो इस कार्य को कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस विचार को मानने वालों लोगों के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत इन लोगों को होती है, जब विपक्ष अपने दायित्व का निर्वहन करता है तो ये असहज हो जाती है, क्योंकि ये चर्चा प्रश्न उठाने पर असहजता का भाव इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये देश की पॉलिटिक्स का और राजनीतिक और सक्रिय लोगों में एक सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं कि सिर्फ एक या दो आदमी की सुने तर्क संगत प्रश्न ना उठाएं। जो ईवीएम को लेकर और ईवीएम की और जो व्यवस्था है सुरक्षा की, उसको लेकर जो विपक्ष के बड़े नेता चिंता व्यक्त कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को, व्यवस्था की इनकी जिम्मेदारियां है, इनको आके उन संशयों को, उन संदेह को दूर करना चाहिए और विशेष रूप से इन लोगों को यह समझना चाहिए कि जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों में या प्रत्येक जनपद में जिस स्थान पर भी ईवीएम रखी गई है, वहां विपक्षी दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा डेरा डाला गया है, तो ये अविश्वसनीयता क्यों है? इस को मतलब ये व्यवस्था क्यों बनी? आपको इतने संशय की दृष्टि से क्यों देखा जा रहा है? इसका मूल कारण यह है कि बिहार का चुनाव में इस तरह की बहुत सारी शिकायतें मिली,
जो नजदीक के मार्जिन से विपक्ष के लीडर हार रहे जीत रहे थे सॉरी, तो उन लोगों को सरकारी मशीनरी का प्रयोग करके हराया गया और सत्ता को कैप्चर किया गया। तो ये संस्था विपक्ष के कार्यकर्ताओं में, विपक्ष के नेताओं में बनी हुई है। इस संदेह को दूर करना चाहिए। अगर ये संदेह बना रहेगा तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, धीना दृष्टि का शासन चलने वाला नहीं है। ऐसा क्यों है कि आपके शासन में 10 दिन 15 दिन जहां पहले चरण में चुनाव हो गया था 10 फरवरी को, उन लोगों को पूरा एक महीना वहां सजगता से बैठना पड़े, तो आपका जो प्रशासन है उसकी निष्पक्षता को लेकर क्यों चिंता जाहिर करता है बार बार विपक्ष? अब ईवीएम की जो बात करते हैं, मूल रूप से आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो जहां हारती है वो जीते हुए लोगों को स्वीकार कर लेती है, बाकी लोग भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं करते। हमारे राहुल आनंद जी इस बात को कह रहे थे, ऐसा नहीं है। आप प्रदेश में 5 साल सरकार चला रहे थे, देश में सरकार चला रहे थे, जहां मनमानी कर रहे थे वहां हम लोग विरोध कर रहे थे, उसको आप ये कह देते हो कि हम सहन नहीं कर रहे। भाई जनता ने आपको 17 में सरकार चलाने का दायित्व दिया, हमें विपक्ष में बैठने का दायित्व दिया, आप अपना काम कर रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे, और अभी इन रुझानों को ही परिणाम मानकर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना पक्ष रख रहे हैं। फिर हम स्पष्ट करते हैं ये एक रुझान है, तो मुद्दों को लेकर अगर आप इनको सच मान रहे हैं, उन चीजों को आप भूल गए कि इतना बड़ा विशाल जनसमूह आपके विरोध में सड़कों पर निकला है, विपक्ष के नेताओं की रैलियों में है, आप लोगों के बड़े लीडर्स की जो रैलियां हुई हैं, रोड शो हुई हैं, उनमें संख्या कितनी थी, विपक्ष के नेताओं की रैलियों में कितनी संख्या थी, तो आप तो एक ही सेंटेंस में कह के खत्म कर रहे हैं कि वो भीड़ थी, वो वोट नहीं था। तो ये हम लोगों की समझ से परे है। हमारा पूरा विश्वास है कि वो लोग बदलाव के लिए निकले थे, और आप लोग जो जिस तरह से भी सरकारी मशीनरी का प्रयोग कर सकते थे वो किया है, और उसका एक मूल कारण है कि पूरे चुनाव के दौरान इस तरह का देखा गया है और वो चिंता जाहिर बड़े लीडर कर रहे हैं, तो आपको इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए, संशय दूर करना चाहिए, बड़े दिल करके आगे आना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रश्न विपक्ष के हैं। देखिए राहुल आनंद जी, ये जो लोकतंत्र का खजाना है, अगर इसको खुले में छोड़ दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो सवाल उठेंगे ना, और जवाब कौन देगा आपके अलावा? देखिए जब कभी भी चुनाव का माहौल होता है, या आप आसाम की बात कर लीजिए, बंगाल की बात कर लीजिए, या अन्य जगहों की बात कर लीजिए, यहाँ पर जितने भी मेरे सहयोगी लोग बैठे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये भाजपा शासित प्रदेश थी, लेकिन ये उस वक्त ये कहा थे जब बंगाल में भी इस प्रकार का कृत्य घटा था, जब बंगाल में एक ऐसी घटना घटी थी जब दीदी के विधायक के घर में ईवीएम मिल गया था, तो उस समय किसी ने प्रश्न नहीं उठाया था क्योंकि इनके सामंजस्य की सरकार वहां थी। तो ये बात आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो चुनाव करा रहा है इसकी जिम्मेदारी होती है, और उस समय नीव वर्तमान की स्थिति में वहां की सरकार होती है और वहां उस प्रदेश का मुखिया होता है, तो उनकी बहुत ज्यादा वहां नहीं चलती है क्योंकि वो नीव वर्तमान रहते हैं। और लोकतंत्र क्या, जहां तक देखिए रत्नाकर भाई साहब कितना आराम से हंसते हैं, इनकी मुस्कुराहट काफी अच्छी है, लेकिन ये अरे तो हंस तो रहे हैं, कम से कम हार रहे हैं लेकिन हंस रहे हैं, आपके अनुसार तो हार ही रहे हैं लेकिन हार कर भी हंस रहे हैं, यही तो योद्धा है। चलिए सुन लीजिए कुछ कह रहे हैं वो आपसे, सुन लीजिए कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं राहुल जी, राहुल आनंद कुछ कह रहे हैं रत्नाकर जी। ये जो राहुल आनंद जी तर्क दे रहे हैं कि उनके हाथ में शासन व्यवस्था नहीं रहता, ये बिल्कुल गलत तर्क दे रहे हैं। आप संवैधानिक व्यवस्थाओं को पूरी तरह से पढ़िए और उसको समझिए पहले। अगर चुनाव
चुनाव आयोग चुनाव कराता है तो जो वर्तमान सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और चुनाव अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते कि कह दे कि उसकी बहुत कम भूमिका रहती है, उसकी महती भूमिका रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है और उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही रहती है पूरी तरह से। जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक वहां पे जो सरकार वर्तमान सरकार रहती है उसकी पूरी जवाबदेही होती है। आपको पहले समझदारी चीजों को अधिकारों को समझिए और फिर उसके ऊपर बात करिए। थानेदार बधाई दे रहा है कि आप अगले कैबिनेट मिनिस्टर हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी बिल्कुल आइए राहुल आनंद जी बोलिए। देखिए लोकतंत्र की परिभाषा को जितना भी परिभाषित किया जाए वो कम पड़ जाते हैं, लेकिन ये मेरा भी बड़ा आसान सा प्रश्न है कि ये उस समय कहाँ रहते हैं जब बंगाल में इस प्रकार की घटना घटती है, उस समय ये क्या संविधान पढ़कर बैठते हैं कि वहां पे सारा चीज सही रहता है, यहाँ गड़बड़ हो जाता है। महाराष्ट्र में इस प्रकार की घटना घटी थी तो महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? अभी हम इसको छोड़ देते हैं, हम आ जाते हैं पंजाब पे आ जाते हैं, पंजाब में क्या स्थिति है कांग्रेस की? इसी रवैया के चलते आज कांग्रेस सही की नहीं रह रही है और पिछले पायदान पे जाकर खड़ी हो जा रही। मैं लोकतंत्र का सम्मान करता हूँ और मैं बिल्कुल मैं आपके साथ खड़ा हूँ और इस पे मैं विशेष सरकार से भी दरख्वास्त करता हूँ कि इस पे संज्ञान लेना चाहिए, उन सारे ड्यूटी करते हुए अफसरों को सस्पेंड करना चाहिए कि उनके वजह से कहीं लापरवाही बढ़ती जाती है। यही तो हम कह रहे हैं जो आपने कहा है, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। हुई है तो कहीं ना कहीं उस साजिश का ये लोग हिस्सा भी रहे हैं। जी नगेंद्र जी। चलो राहुल आनंद जी देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इनको एक बात और जब कह रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए जब बंगाल। नगेंद्र जी मैं आपका जवाब लूंगा, इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। नगेंद्र जी आप अपना पक्ष रख रहे थे ब्रेक से पहले। जी तो मैं ये कहना चाहूंगा जब बंगाल में विधायक के यहाँ ईवीएम मिलती है तो वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, लेकिन जब इस चुनाव में गाड़ी में ईवीएम मिलती है और पर्ची मिलती है कूड़े खाने में डस्टबिन में तो यहाँ के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा ये प्रश्न इसीलिए उठ रहा है ईवीएम की सुरक्षा को लेकर और ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर कि जो पहले चरण का पश्चिम से चुनाव शुरू हुआ तो उस समय में वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी जी ने जनपदों के दौरे किए हैं कोरोना के हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के बहाने, और वहां हम लोगों ने विपक्षी दल होने के नाते निर्वाचन आयोग को लिखा था कि वो जो मीटिंग होनी चाहिए उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन मैं बिल्कुल प्रमाण के साथ ये बात कह रहा हूं तर्क के साथ वहां कप्तान को और जिलाधिकारी को मैनेज करने के लिए विशेष दिशा निर्देश के लिए किया गया, और जो पश्चिम के एक जिले में बागपत में मुख्यमंत्री का दौरा होता है तो अगले दिन ही मशीनरी ढीली होती है और बड़ी संख्या में मादक पदार्थ जिसको शराब कहते हैं मदिरा कहते हैं वो जिले में चलती है और उसको पकड़ा जाता है, मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन विपक्षी दलों के कार्यकर्ता और नेताओं को जब पता लगता है और वहां जाके धरना देते हैं जब जाके कार्रवाई होती है और उस में जो संलिप्तता पाई जाती है वो सरकार से जुड़े हुए लोगों की पाई जाती है, लेकिन उसके लिए विपक्षी लोगों को विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, और हमने चुनाव आयोग को ये कहा कि वो रिकॉर्डिंग की जाए, यहां भी ठीक है कोविड चल रहा था तो अपनी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को निभानी चाहिए थी, लेकिन हमारे इस निवेदन को स्वीकार नहीं किया गया तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो उठे नहीं। अगर धुआं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं नीचे आग लगी हुई है, ये हुआ है। राहुल जी देखिए अगर कुछ नहीं होगा तो कोई बात नहीं होगी, लेकिन कुछ होगा तो जरूर बात होगी।
देखिए ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस विषय को किस हिसाब से लेते हैं। नहीं नहीं, हम कभी तो क्या हिसाब से लेंगे, हिसाब से तो जनता लेगी, जो विषय लेना है जिसके समर्थन जिसका जनादेश। मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी जब आंखें जो चीजों को देखती है वो धोखा खा जाती है, जो नहीं देखती है वो सही होता है। सुविधा की राजनीति की बात कर रहे हैं, इनको हर चीज में सुविधा होती है वो उस हिसाब से ले लेते हैं, ये सुविधा की राजनीति कर रहे हैं। अगर रत्नाकर भाई साहब, अगर सुविधा की राजनीति होती तो फिर जनता का बहुमत हमें नहीं मिलता, जनता हमारी सुविधा के लिए चलती है। हम उनके कटघरे में जाकर खड़े होते हैं, हम उनके कटघरे में जाके खड़े होते हैं और हाथ जोड़कर वोट की विनती करते हैं, तब जाकर वोट मिलता है। और आप और आपको उसकी उसका कदर इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप लोग हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और उस पर और उसके पीछे रहते हैं, जिसको ये पता नहीं है कि 2500 2500 क्या होता है और 2500 क्या होता है। तो वो अलग विषय है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि पूरी कांग्रेस उसी के पीछे जाके लग रही है, पूरी कांग्रेस उसको राजा बनाने के है और उसको राज मुकुट पहनाने के ऊपर लगी है और खुद कांग्रेस हो रहा है। जो G23 नेता थे, G23 नेता थे मोदी जी के, जो लोग अरे देखिए, अरे राहुल आनंद जी सुनिए भाई सुनिए, अरे सुनिए भाई सुनिए, राहुल आनंद जी हिंदू बनते हैं, जरूरत के हिसाब से। अरे तो राहुल आनंद जी सुब्रमण्यम स्वामी और वरुण गांधी को क्या कहेंगे बताइए। देखिए मैंने ये चीज बड़ा स्पष्ट कहा कि हमें नोटिस करना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने बहुत अच्छा से बात की। अगर वो आपके आपके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? देखिए त्रिशूल साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही थी जिसमें आपने कहा था कि आज भाजपा कांग्रेस हो गई है, तो कांग्रेस ने मौका दिया तब आज ये स्थिति है कि लोग भाजपा का नेतृत्व को उन्होंने स्वीकार किया। नहीं, आप देखिए विचारधारा की बात करते हैं। मैं वरुण गांधी की बात करता हूँ, मैं वरुण गांधी पे ही आ रहा हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी पे भी आ रहा हूँ। आपके आपके पार्टी में और आपके राजनीतिक परिवार में ऐसे व्यक्ति भी होने चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए कि अगर आप पे प्रश्न उठाते हैं तो आप उनकी बातों को सुनिए। और हमने सुना है, चाहे वो सुब्रमण्य स्वामी हो या वरुण गांधी जी हो, हमने सबकी बातों को सुना है। लेकिन कांग्रेस G23 के जो लोग होते हैं सबको दरकिनार कर दिया गया। मनोहर जोशी और अटल अडवाणी जी की बातों को नहीं सुनने के लिए मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया गया, ये तो है इनकी सरकार। चलिए बहरहाल बहरहाल मैं त्रिशूल जी एक बात कहना चाहूंगा इनसे, ये वही पार्टी है जो इसराइल में तो रक्षा सौदा करने के लिए जाती है और कहती है कि हम देश की सुरक्षा के लिए इसराइल में रक्षा सौदा करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब वो रक्षा सौदा करते हैं तो उसमें एक गुप्त समझौता करते हैं इसराइल की कंपनी के साथ, पेगासस सॉफ्टवेयर जो खरीदते हैं 300 करोड़ रुपया देते हैं, और इसराइल की कंपनी ये कहती है कि ये आप आतंकवादियों के खिलाफ करिएगा, देशद्रोहियों के खिलाफ करिएगा उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल। लेकिन ये वही पार्टी है जो इस तरह का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए करती है, करना चाहिए इस्तेमाल और उसको आतंकवादियों के खिलाफ करना चाहिए इस्तेमाल और राजनीतिक पार्टियों के लिए कर रहे हैं। तो यह जो ईवीएम का गलत इस्तेमाल अपने फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए क्यों नहीं कर सकते, ये जनता भी समझदार है और जनता भी जानती है, इसलिए जनता जो है ज्यादा सचेत हो गई। और रही बात, हम आप बार बार पश्चिम बंगाल का उदाहरण दे रहे हैं, पश्चिम बंगाल में जो आप लोगों की हार हुई है, इस तरह से आप अभी आत्मविश्वास की बात कर रहे थे ना कि हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट है, तो आप लोगों ने पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और जनता के नब्ज को आपने पहचाना नहीं, इसलिए आप लोग हारे। वहां पे तो जाके प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं दीदी, ओ दीदी, एक प्रधानमंत्री को इस तरह का इस गरिमापूर्ण पद होता है प्रधानमंत्री का, और इस तरह का वक्तव्य देना चाहिए, वो भी किसी महिला के संदर्भ में। एक महिला का सम्मान करना चाहिए, आप उनको पेंट करते हैं, आप उनको दीदी हो दीदी करते हैं, तो पश्चिम बंगाल की जनता ने उनको एक सबक सिखाया है। और आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में देखिएगा, यह बामुश्किल किसी एक राज्य में आ गए तो आ गए, नहीं तो इनका पूरा नेस्तनाबूद होने वाला है, ये पूरी तरह से सफाया होने वाला है। ये चंद सैंपल के ऊपर जो ये मांग के बैठे हैं कि हमारी सरकार आ गई, ये इनका भ्रम 10 तारीख को दूर हो जाएगा। ठीक है,
जी राहुल जी, अच्छी बात क्या होती है कि जब आप मुझसे प्रश्न करते हैं तो जवाब मैं ही दूं तो अच्छा लगता नहीं, है नहीं, दीजिए सागर जी जो आ जाते हैं बोलने के लिए, ये गलत बात है। और जहां तक दीदी और दीदी का जहां तक इन्होंने सवाल उठाया है, तो महिलाओं की इज्जत भारतीय जनता पार्टी ज्यादा कोई नहीं करता है, और राजनीतिक आंकड़े में वो हमारी प्रतिद्वंदी है, तो आपको इसका भी ख्याल रखना होगा कि। और जहां तक आप मेरी कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की बात है, तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, कभी हम तीन थे आज हम सतहत्तर हो गए। कांग्रेस कहां गई? कांग्रेस देश की वो पार्टी थी जो कभी बहुमत में रहती थी, आज बहुमत के लिए तरफ गई है, और दिन पर दिन उनका डिमोशन होता जा रहा है। इस चीज को आप स्वीकार कीजिए कि कांग्रेस कहां पर है, कांग्रेस क्या कहती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, इसको देखिए। कांग्रेस पंजाब में सरकार बनाई थी, आज कहां है इसको देखिए, फिर हम बात करेंगे। पहले अपने घर को ठीक कर लीजिए, मैं रुझान पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ। आप क्या वेस्ट बंगाल में नहीं लड़े, आप लड़े, आप कहाँ गए, आप एकदम से चले गए, और आपने तो उस समय रण भी छोड़ दिया ये सोचकर कि अब हम कहीं नहीं है एक्सेप्टेबल, तो आप कहाँ थे। इसलिए आपको अपने दिन को भी याद रखना चाहिए, और समय परिवर्तनशील होता है, समय परिवर्तनशील होता है। और मैं कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की बात मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तीन था, 77 पहुंच गए, और 37 साल बाद उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः वही सरकार रिपीट कर रही है, ये हमारी पहचान है। और जहां तक विकास की बात है, जब जनता बटन दबाने गई थी तो उन्होंने 2017 के पहले का भी उत्तर प्रदेश याद है, और 2017 के बाद का भी उत्तर प्रदेश याद है। और जो तुष्टिकरण की जो राजनीति होती है उसको छोड़कर हम विकास की राजनीति की बात करते हैं, तभी। अरे तो आपने ही कहा 80-20, कौन कह रहा था बताइए, चुनाव में हम हारे या जीते, कौन कह रहा था? राहुल जी देखिए ऐसी बातें ना कीजिए, कौन कह रहा था 80-20 की बात बताइए? कांग्रेस कर रही थी, समाजवादी पार्टी कर रही थी, बात हम इसलिए कर रहे, कौन कर रहा था बताइए? अब मैं बता रहा हूँ, और आप कह रहे हैं तुष्टिकरण की राजनीति आप करते नहीं है, कौन कह रहा था बताइए जरा? मैं बता रहा हूँ 80-20 का बात हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि 80 में हम वो सारे लोग थे जो विकास की विचारधारा के साथ खड़े थे, और 20% वो थे जो अलग खड़े थे, और ये एक मैथमेटिक्स का एक सिद्धांत। कौन अलग खड़े थे, नाम बताइए ना उनका, कौन खड़े थे 20% अलग? तर्कों के आधार पे ये बात बोला, 19% मुस्लिम है उत्तर प्रदेश में, कौन खड़ा था? चलिए समय समाप्त हो रहा है, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। ये जो आंकड़ों का इंद्रजाल है, इसके तिलिस्म को सुलझाने का असफल प्रयास है एग्जिट पोल, लेकिन शोर बदस्तूर जारी है, और जब तक जनादेश नहीं आता है जनता ये शोर सुनने के लिए मजबूर है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ातरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।